जब उनके विचारों का मूल्यांकन किया जाए, जयप्रकाश नारायण जी का समाजवादी अवधारणा की अनेक विद्वानों ने कड़ी आलोचना की है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन भी देशों में समाजवाद की स्थापना हुई है, सभी देशों में हिंसात्मक क्रांति से ही समाजवाद की स्थापना हुई है। किसी भी देश में शांतिपूर्ण साधनों से समाजवाद अस्तित्व नहीं आया। सोवियत रूस, चीन, क्यूबा तथा पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में समाजवाद की स्थापना हिंसात्मक क्रांति के कारण हुई। आलोचकों का कहना है, समाज का समृद्ध विकास केवल समाजवाद की स्थापना से होगा उचित नहीं है। जिन देशों में समाजवाद की स्थापना नहीं हुई, उन देशों का बहुत अधिक विकास हुआ है। यानी ज़्यादातर विचार की मानते हैं कि अकेला समाजवाद ही सब कुछ नहीं है, और बगैर समाजवादी पूंजीवादी व्यवस्था में कई देशों ने बहुत तरक्की की है। विकास समाजवादी व्यवस्था में नहीं बने लोकतांत्रिक देशों में भी संभव है। वर्तमान राज्य इस बात का ध्यान में रखे बिना कि उस देश में किस प्रकार शासन व्यवस्था है, वर्तमान राज्य का स्वरूप कल्याणकारी है। कल्याणकारी राज्य में सभी लोगों के सर्वांगीण विकास कल्याणकारी राज्य प्रमुख उद्देश्य होता है। जयप्रकाश नारायण ने आधुनिक लोकतंत्र के द्वारा गरीबों के कल्याण को असंभव बताया है, ये कथन उचित नहीं है। आलोचकों के अनुसार समाजवादी देशों में ही श्रमिकोत्थान ने गरीब लोगों की कल्याण योजनाएं बनाए तो लागू नहीं की गई, बल्कि पूंजीवादी देशों में श्रमिकों के हितों के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई तो उन्हें लागू किया गया है। जयप्रकाश पूंजीवाद का घोर विरोध करते हुए इसकी उनकी बात की उचित नहीं है। अब समाजवादी देशों में समाजवाद खिसकता नजर आ रहा है। जयप्रकाश नारायण ने राज्य को एक अनैतिक संस्था कहा था। वर्तमान राज्य में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, परंतु जयप्रकाश के कथन की आलोचना की कि वर्तमान राज्य एक अनैतिक बुराई नहीं है तथा न ही राज्य व्यक्ति के विकास में बाधक है। राज्य व्यक्ति को ऐसे अवसर उपलब्ध कराता है जो व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। कल्याण का राज्य का एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना है। कंक्लूजन की जो बात की जाए, निष्कर्ष, जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के विचारों का अध्ययन करने पश्चात हम इसी निष्कर्ष पहुँचते हैं कि जयप्रकाश नारायण का समाजवाद एक स्थिर समाजवाद नहीं होकर प्रगतिशील समाजवाद है। समय के साथ साथ समाजवाद के संबंध उनके विचारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। आरंभ में जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद को समाजवाद का एकमात्र सिद्धांत माना तथा उसे प्राप्त करने उन्हीं साधनों का प्रयोग उचित माना जिनका प्रयोग विश्व के अनेक क्षेत्रों में किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जब उनके समाजवादी दल को 1952 के या 1952 में प्रथम जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने न केवल सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया वरन समाजवाद के परिष्कृत स्वरूप को सर्वोदय के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु निश्चित है कि उनके सर्वोदय तथा संपूर्ण क्रांति में भी हमें समाजवाद की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जयप्रकाश नारायण के समाज सुधार संबंधी विचारों के ऊपर चर्चा मैं करूँगा। व्यूज ऑफ जयप्रकाश नारायण रिगार्डिंग सोशल रिफॉर्म्स, कि उनको क्या क्या चाहते थे, समाज में क्या क्या सुधार चाहते थे, उनके विचार ऊपर चर्चा करूँगा। जयप्रकाश नारायण का सार्वजनिक जीवन 1921 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य रूप में आरंभ हुआ। इसके बाद 1922 में शिक्षा प्राप्त करने अमेरिका चले गए। तब वहाँ से वापस आने पर 1929 में सार्वजनिक जीवन में पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से सक्रिय हो गए। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया, जो उन्होंने अमेरिका में अध्ययन किया था मार्क्सिज्म का। 1952 के लोकसभा प्रथम चुनाव में समाजवादी दल की पराजय के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति से अपने आप को अलग कर लिया। तब विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन के साथ जुड़ गए। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के साथ साथ उन्होंने अनेक समाज सुधार कार्य किए। उन्होंने आर्थिक सुधारों से लेकर आतंकवाद तक की समस्या दूर करने के कार्य किया। उनके विचारों से प्रभावित होकर नक्सलियों तथा अनेक डाकू ने हिंसा तथा आतंक का जीवन छोड़कर अपने आप को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया। 1953 के बाद से जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की स्थापना के लिए व्यापक रूप से कार्य किया। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त किए बिना समाज सुधार नहीं किया जा सकता। उनका समाज सुधार से अभिप्राय सामाजिक तथा आर्थिक समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना था। इसके लिए उन्होंने समाजवाद, सर्वोदय, संपूर्ण क्रांति का सहारा लिया। जयप्रकाश नारायण को उनके समाज सुधार के कारण एक सिद्ध नेता, सेंट्रल लीडर की संज्ञा दी जाती है। जयप्रकाश नारायण के समाज सुधार संबंधी विचारों का परीक्षण निम्न प्रकार से किया जाता है। शोषण की समाप्ति पर बल, एम्फेसिस ऑन द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में जितने भी नेता हैं उनमें जयप्रकाश नारायण जी को सबसे ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से समाज में आज भी देखा जाता है, क्योंकि दलगत भावना से ऊपर थे और उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं किया बल्कि राष्ट्र और समाज के लिए काफ़ी कुछ दिया। शोषण की समाप्ति पर बल दिया, एम्फेसिस ऑन द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जयप्रकाश नारायण का विचार था शोषण के प्रत्येक पक्ष को समाप्त किए बिना आर्थिक तथा सामाजिक समानता और आधारित समाज की स्थापना नहीं की जा सकती।
उनका विचार था कि इसके लिए वर्तमान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, अतः इस क्षेत्र में जमींदारी प्रथा समाप्त करना आवश्यक है। उस जमाने में थी आज़ादी से पहले सर्वोदय की स्थापना के लिए इसे आवश्यक माना। विनोद जी के भूदान आंदोलन में उन्होंने व्यापक रूप से कार्य किया। उन्होंने भूस्वामी में अपील की कि वह अपनी भूमि स्वेच्छा से दान दें। दान स्वरूप प्राप्त इस भूमि को भूमि में वितरित करके शोषण को रोका जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में जयप्रकाश नारायण ने लघु एवं कुटीर उद्योगों का समर्थन किया, क्योंकि बड़े उद्योग शोषण की संभावना अधिक होती है। लघु तथा कुटीर उद्योगों में कामगार ही मालिक होता है, अतः शोषण की संभावना नहीं रहती। यदि हम समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करना चाहते हैं तो हमें शोषण को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। नैतिकता की स्थापना बल इम्फेसिस ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉरलिटी। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि समाज सुधार तथा कल्याण के लिए नैतिकता की स्थापना आवश्यक है। सामाजिक असमानता कारण व्यक्ति का स्वार्थी दृष्टिकोण है जो उसे अनैतिकता की ओर ले जाता है। इसे प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार जन्म लेता है। 1974 में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए संपूर्ण क्रांति का विचार दिया। उनका कहना था हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार लाने की आवश्यकता है। समाज सुधार को केवल राजनीति में सुधार करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु सांस्कृतिक शैक्षिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि सामाजिक नैतिकता की भावना का संचार जनमत के द्वारा किया जा सकता है। नैतिकता समाज सुधार का आधार है। नंबर 3 उनके समाज संबंधी विचारों में है, लोकतंत्र में सुधार चाहते थे, रिफॉर्म्स इन डेमोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण जनमत को सर्वोपरि मानते थे तथा इस कारण से लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र अपने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। दलीय व्यवस्था के विकास ने लोकतंत्र को नेवल भ्रष्ट बनाया है व न्यून वर्गों की इसमें भागीदारी को रोका है। दलीय व्यवस्था नैतिकता को नष्ट कर दिया था। दलों पर केवल उच्च वर्ग के लोगों का अधिकार स्थापित हो गया है। दलों का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण न होकर केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करना ही हो गया है। जयप्रकाश नारायण का कथन था सर्वोदय का कार्य दलीय प्रतिबद्धता से अलग है। हम किसी भी राजनीतिक दल के न तो पक्ष में न विरोध में, हम बिना दलों के शासन की इच्छा रखते हैं। द प्रोग्राम ऑफ सर्वोदय इज अबव पार्टी एफिलिएशन। वी आर नाइदर और नोर अगेंस्ट एनी पार्टीज। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि हम शासन में दलीय व्यवस्था की बुराइयों को दूर कर दें तो समाज सुधार संभव हो जाएगा। समाज सुधार का आधार सर्वोदय था। सर्वोदय का आधार समाजवाद। द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इज सर्वोदय एंड द बेसिस ऑफ सर्वोदय इज सोशलिज्म। जयप्रकाश नारायण ने समाज सुधार को सर्वोदय का पर्यायवाची कहा जा सकता है। सर्वोदय की अवधारणा सामाजिक आर्थिक समानता पर आधारित है। इसी प्रकार से सामाजिक आर्थिक समानता से अभिप्राय ही जयप्रकाश नारायण के अनुसार समाज सुधार तथा सामाजिक कल्याण है। स्वतंत्रता के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया, विशेषकर 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में समाजवादी दल की पराजय के पश्चात। यद्यपि जयप्रकाश नारायण ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग अवश्य कर लिया, तथापि अपने समाजवादी विचारों को परित्याग नहीं किया था, वरन अपने समाजवाद को लागू करवाने के लिए सर्वोदय का सहारा लिया। जयप्रकाश नारायण का कथन था कि सर्वोदय के आदर्श समाजवाद साम्यवाद के निकट हैं। हम सामान्य जन की शक्ति तथा स्वतंत्रता बल देते हैं, हम आर्थिक राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण बल देते हैं जिसे लोगों के सामूहिक संगठन में निहित रहें। द आइडियल्स ऑफ सर्वोदय आर क्लोज टू दोज ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। वी स्ट्रेस पावर कॉमन पीपल। ये कॉमन पीपल की तरफ इशारा कर रहे थे, उसको पावर दी जाए, आम जनता को पावर दी जाए। वी स्ट्रेस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर सो दैट इट्स रेजिडेंस इज कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल। जयप्रकाश नारायण जी धन और शक्ति का सत्ता का कहीं एक जगह जमावड़ा न हो या आम जनता तक पहुँचे। विकेंद्रीकरण पर बल इम्फेसिस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। जयप्रकाश नारायण के समाज सुधार की विचारधारा का आधार आर्थिक समानता को माना जाता है। जयप्रकाश नारायण का विचार था यदि हम वर्गों के मध्य भेदभावों को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें निर्णय निर्माण की प्रक्रिया समान नागरिकों की भागीदारी प्रदान करनी होगी। ये तभी समझ सकते हैं विकेंद्रीकरण किया जाए। जयप्रकाश नारायण ने इसके लिए पंचायतों की स्थापना तो उनके व्यापक अधिकार प्रदान करने का समर्थन किया। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गांव एक स्वतंत्र इकाई आर्थिक इकाई के रूप में विकसित होगा। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा वरन क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा। यदि हम सामाजिक विषमता दूर करना चाहते हैं
तो हमें आर्थिक असमतुल विषमता को दूर करना चाहिए। ये केवल विकेंद्रीकरण से ही संभव है। जयप्रकाश नारायण लोक शक्ति अवधारणा का विकास किया, जिसमें अंतिम शक्ति लोगों में नियुक्त है, राज्य केवल लोगों द्वारा किए गए निर्णयों को लागू करने का कार्य करें। ये लोक शक्ति अवधारणा विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। समाज सुधार के लिए स्वतंत्रता एक आवश्यक शर्त, इंडिपेंडेंस इज ए प्री कंडीशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स। जयप्रकाश नारायण का विचार था कि भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को स्वतंत्र रखें। इसके लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रत्यक्ष विरोध करना चाहिए। ये जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादियों का प्रभाव था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना उद्देश्य घोषित करना पड़ा। यह उन्हीं का प्रभाव था कांग्रेस को 1920 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे समाजवादी समाज का निर्माण चाहते थे जिसमें सभी को समानता और न्याय उपलब्ध हो। उनका विचार था ब्रिटिश शासन में समानता न्याय प्राप्त करके समाज सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि समाज सुधार के साधनों जिनमें राज्य सबसे प्रमुख है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है। उनका कहना था कोई गुलामी के दौरान कोई समाज सुधार नहीं किया जाता, पूर्ण स्वतंत्रता बिल्कुल प्राप्त करना जरूरी है पहले, उसके बाद ही समाज सुधार की गति आगे बढ़ेगी। जातिवाद का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ कास्टिज्म। जयप्रकाश नारायण जातिवाद कट्टर विरोधी थे। उनके अनुसार स्वतंत्र भारत में जाति प्रथा अंत तो नहीं हुआ, वर्दी अवश्य हुई। भारतीय नए राजनीतिक दल जाति के आधार पर गठित हैं। ये दल जातिवाद को प्रोत्साहित करते हैं। अपने राजनीतिक लाभ के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल चुनावों में जातिवाद का सहारा लेते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय में समानता के आधार पर जाति के लोगों को मेल को बढ़ाने का समर्थन करते थे। उनके अनुसार अंतर्जातीय सामाजिक संबंधों को बढ़ावा दिया जाए जिससे विभिन्न जातियों मेल मिलाप बढ़ सके। राजनीतिक जाति पक्ष का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाए। जयप्रकाश नारायण अनुजातियों तथा जनजातियों बहुपक्षीय विकास का को विश्वसनीय बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करने पक्षधर थे। वे जातिवाद पर आधारित उन सभी कार्यों का विरोध करते थे जो लोगों के सामाजिक भेदभाव को पैदा करते थे। महिलाओं की स्थिति में सुधार के समर्थक, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। जयप्रकाश नारायण स्त्रियों तथा पुरुषों में किसी प्रकार भेद नहीं मानते थे। उनके अनुसार स्त्रियां पुरुषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं, फिर भी उन्हें शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। भारतीय समाज के सुधार के लिए आवश्यक पहले महिलाओं की दशा में सुधार किया जाए। वे स्त्रियों की स्थिति में बहुपक्षीय सुधार के समर्थक थे। विधि की विडंबना है कि स्वतंत्रता पश्चात स्त्रियों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। महिलाओं की शिक्षा का उचित प्रबंध आवश्यक है जिससे उन्हें अज्ञानता, अंधविश्वास, व्यर्थ की प्रथा, रीति रिवाजों, आर्थिक निर्बलता तथा सामाजिक पिछड़ापन से मुक्त करवाया जा सके। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने प्रोत्साहित किया जाए। जयप्रकाश नारायण की हार्दिक इच्छा जयप्रकाश नारायण की कि राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों की सहभागिता बढ़े। जहाँ तक राजनीतिक व्यवस्था प्रश्न है, उनकी भागीदारी नगण्य है। समाज में कोई सुधार आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें महिलाओं की सहभागिता नहीं हो। 1974 में जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। नौकरशाही सुधार के पक्षधर थे। रिफॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जयप्रकाश नारायण का दृढ़ मत था किसी भी तरह का सुधार व्यवहारिक तौर पर लाभदायी सिद्ध नहीं हो सकता जब तक नौकरशाही सकारात्मक समर्थन प्राप्त न हो। स्वतंत्रता के पश्चात भी नौकरशाही का व्यवहार जैसा वैसा ही था जैसा स्वतंत्रता पूर्व था, यानी गुलाम भारत की जैसी ब्यूरोक्रेसी थी वैसी ही आज़ादी के बाद रही, जनता से वो दूर रहे। जयप्रकाश नारायण तथ्य से भली भांति परिचित थे। स्वतंत्रता के पश्चात भी शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है तथा नौकरशाही दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होती जा रही है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था की सफलता असफलता बहुत सीमा तक नौकरशाही पर निर्भर है। लोकतंत्र मंत्रियों के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं होती, वो सभी राजनीतिक कार्यों और प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्भर होते हैं। नौकरशाही नियमों का सहार ले किसी काम को अपने मनमान ढंग से रोक सकते हैं तथा उसमें देरी कर सकते हैं। नौकरशाही को ऐसी मनमानी गतिविधियों रोकना अत्यंत आवश्यक है। नौकरशाही प्रतिबंध लगाने शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। इसके अतिरिक्त लाल फीताशाही को नरम बनाने पक्षधर थे जिसमें नियमों का बहाना लेकर असैनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों की पूर्ति करने में देरी न कर सके। ये बात तो उनकी ऐसी है कि आज भी जितने प्रबंध शास्त्री सारे सोच सकते हैं कि लाल फीताशाही। नौकरशाही सुधार के लिए जब भ्रष्ट अधिकारी तो कर्मचारी तो कठोर कार्रवाई करने पक्ष में थे। उनका मानना था कि नौकरशाही नियंत्रण के साथ साथ लोगों को अपने अधिकारों से जागृत करना भी आवश्यक है जिससे लोग नौकरशाही की जाति के विरुद्ध अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर सकें। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना चाहते थे, करप्शन फ्री सोसाइटी। जयप्रकाश नारायण के सामाजिक सुधारों के संबंध में कहा भारत में बढ़ते जा रहे भ्रष्टाचार से बहुत दुखी थे। वे भारत में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने के पक्षधर थे। 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में समाजवादी दल की असफलता के कारण राजनीतिक जीवन ने दूरी बना ली थी। वे काफ़ी समय से राजनीति दूर रहे, परंतु जब उन्हें अनुभव किया भारत में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है तो 1974 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। जयप्रकाश नारायण ने कभी भी कोई राजनीतिक पद स्वीकार नहीं किया। जीवन भर उन्होंने राष्ट्र की निष्काम सेवा की
जब भ्रष्टाचार बहुत बढ़ने लगा तो 1974 में भारतीयों को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उनके प्रयत्न के परिणाम स्वरूप 1977 केंद्र में जनता पार्टी की गैर कांग्रेस सरकार अस्तित्व में आई। जयप्रकाश नारायण का सपना भारत में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करना था। उन्होंने भारतीयों को प्रेरणा दी कि भ्रष्ट अधिकारियों तथा राजनीतिकों का सामाजिक बहिष्कार करने तथा भ्रष्टाचार से समाप्त करने जोरदार संघर्ष करें। उनके अनुसार राजनीतिक दल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, इसलिए उन्होंने दल रहित लोकतंत्र की धारणा पेश की थी। ग्राम पंचायत में व्यवस्था में सुधार चाहते थे, रिफॉर्म्स इन ग्राम पंचायत सिस्टम। तो जो ये ग्राम पंचायत व्यवस्था में सुधार के बारे में रिफॉर्म्स इन ग्राम पंचायत सिस्टम, जयप्रकाश नारायण ने ग्रामों को सर्वोदय समाज का आधार माना है। उनका मत था इस पर ग्राम समाज में कुछ दोष हैं जिन्हें सर्वोदय द्वारा दूर किया जा सकता है। उनके अनुसार मतानुसार ग्रामीण संस्था पर राज्य और केंद्रीय सरकार नियंत्रण होने के कारण ग्राम संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ है। ग्राम पंचायत चुनाव राजनीतिक दलों से इनकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। इन्हें स्वायत्ता प्राप्त नहीं है, इसलिए उन राज्य तथा केंद्रीय सरकार के दबाव में कार्य करना पड़ता है। इन दोषों दूर करने जयप्रकाश नारायण का सुझाव था कि इन्हीं कार्यों में केंद्रीय राज्य सरकार का नियंत्रण कम किया जाए। इन संस्थाओं और जनता प्रत्यक्ष नियंत्रण होना चाहिए। यदि पंचायत का कोई सदस्य ठीक ढंग से कार्य नहीं करे तो वापस बुलाने का अधिकार भी गांव के मतदाताओं होना चाहिए। ऐसा हरियाणा सरकार ने अपनी एक नीति के तहत किया भी है कि उन सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार जनता को दिया गया है। पहला राज्य देश का ही ग्रामों को इतनी वित्तीय सहायता प्राप्त हो जिससे आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर हो, गाँव के विकास की नीतियाँ बनाकर उन्हें लागू करने में सक्षम हो। निष्कर्ष, जयप्रकाश नारायण के समाज सुधार संबंधी विचारों का अध्ययन करने पश्चात हम इस निष्कर्ष पहुँचते हैं कि इनका उद्देश्य भारत को सामाजिक कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करना था। जयप्रकाश नारायण का उद्देश्य राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना नहीं था। केवल 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव को छोड़कर उन्होंने कभी भी चुनाव राजनीति में भाग नहीं लिया। 1970 चुनाव उनकी भूमिका राजनीति की कम तथा एक संत की अधिक थी। 1974 उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनका उद्देश्य कैसे भारतीय समाज का निर्माण करना था जिसमें सर्वोदयता समाजवाद के सिद्धांतों को लागू किया जा सके। उनके समाजवाद सर्वोदयता समूह क्रांति का एक लक्ष्य था कि वे एक सच्चे गांधीवादी थे और वह उनका लक्ष्य था भारत के समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना तथा समाज में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समानता स्थापित करना। ये उनका प्रमुख लक्ष्य था। वे एक सच्चे गांधीवादी थे जिन्होंने स्वयं को 1952 के प्रथम चुनाव के पश्चात स्वयं को समाज सुधार में अर्पित कर दिया। उनका मत था समाज सुधार के लिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण अत्यंत आवश्यक है। विकेंद्रीकरण द्वारा लोकतंत्र को सुरक्षित और सफल बनाया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था भारत में सत्तावादी तथा सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना की संभावना को बिल्कुल असफल बनाती है। धन्यवाद।